आगे जहां निकाय के रन को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया। बीजेपी ने एक से बढ़कर एक धुआंधार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने कुछ नेताओं का टिकट काटा तो वहीं बागी हो गए कुछ और निर्दलीय के मैदान में उतर गए हैं, जिससे कि बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियां बड़ी थी तो बीजेपी ने एक्शन भी बड़ा ही लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बागियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया तो कुछ नेताओं को 4 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक पूरे प्रदेश में लगभग 800 कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई हुई है। पहले चरण के दौरान लगभग 550 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई, जबकि दूसरे चरण के दौरान लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पहली बार नगर पंचायत स्तर पर कमल के फूल सिंबल पर चुनाव लड़ा। पार्टी ने बाकायदा उम्मीदवारों के नाम की सूची भी जारी किया था, लिहाजा जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला वे निर्दलीय नामांकन किया। कुछ कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए और कुछ कार्यकर्ता विपक्षी पार्टियों में के संपर्क में थे। ऐसे में सभी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बागी नेताओं के नाम दिखाते हैं, जिनको बीजेपी आलाकमान ने पार्टी से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया। तो बागियों पर एक्शन कुछ इस प्रकार से हुआ। एके वाजपेयी, ब्रिजेश पंडित, प्रमोद जायसवाल, रीता पासवान, सौरभ तिवारी, ये वो लोग हैं जो कि बागी नजर आए और इन पर एक्शन लिया गया। जो आपको बता दें कि सुरेश अवस्थी, दिलीप श्रीवास्तव, अमित मौर्य, सुभाषनी मौर्य, जितेंद्र कुमार गुप्ता भी उन्हीं लिस्ट में हैं जो कि बागी थे और जिन पर एक्शन लिया गया बीजेपी आलाकमान के द्वारा। अजय आर्य, दीपक शर्मा, रोहिताश वर्मा, हरीश शर्मा, ये भी उस लिस्ट में शामिल तमाम बागी नेता जिन पर बीजेपी के आलाकमान के द्वारा सख्त से सख्त एक्शन लिया गया। तो बागियों पर एक्शन लगातार जारी, जहां एके वाजपेयी, ब्रजेश पंडित, प्रमोद जायसवाल उस लिस्ट में शामिल। बागियों पर एक्शन को लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस बार निकाय चुनाव में अपने बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में बाहर का रास्ता दिखाया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 800 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को अपने सिंबल पर लड़ रही है। इसके लिए बकायदे अपने कार्यकर्ताओं की, उम्मीदवारों की सूची भी भाजपा जारी की है। लिहाजा जो कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़े हैं या पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए उन पर कार्रवाई हुई है और ऐसे लोगों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाला गया है। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया कि पहले चरण के दौरान 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला गया, वहीं दूसरे चरण में यानी कि अंतिम चरण में लगभग 250 लोगों को पार्टी से निकाला गया। ये एक बड़ा आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में कार्यकर्ताओं को निकाला ही नहीं, बल्कि उससे 4 गुना ज्यादा दूसरे दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस दौरान पार्टी ज्वाइन भी कराई है और भारी संख्या में इसी भाजपा के कार्यालय में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आकर भाजपा की सदस्यता लिए हैं और भाजपा के कुनबे को बढ़ाए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।